श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती मौके एक सधारण समागम साबका केंद्रीय राज मंत्री श्री विजय सांपला की अगुवाई करवाया गया। इस मौके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि भेट करदिया विजय सांपला ने कहा कि उन्होंने देण नूं कदे भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर नूं भारत का संपूर्ण अंग बनाउण च श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मौके श्री सांपला वालों जनसंघ च पिछले लंबे समय तो सेवावां निभाउण वाले व्यक्तियों के परिवारों को विशेष तौर पर सन्मानित भी किया गया। हुशियारपुर तो चेतन कश्यप और गोविंदजीत सिंह की रिपोर्ट। अज 6 जुलाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जोड़ा एक सपना सी कि कश्मीर जोड़ा भारत का अंग जिथे पहला कभी परमिट लैके जाना पैंता सी जिदा विरोध उन्होंने किया और वो गिरफ्तार भी हुए और उन्होंने शहादत भी कश्मीर नू लैके हुई और उन्होंने ये कहना सी कि एक देश में दो संविधान दो प्रधान दो निशान नहीं चले और उस जड़ा उन्होंने बीज बीजा सी उन्होंने अपनी शहादत देती पर वो जड़ा बीज बीजा सी आज उस बीज का दरख्त बन के नरेंद्र मोदी जी मानयोग देश के प्रधानमंत्री उन्होंने माध्यम के नाल अज उन्होंने सपने नू साकार किया और धारा 370 और 37 नू खत्म करके कश्मीर नू जड़ा भारत का संपूर्ण अंग बनाने की कोशिश की जड़ा सपना सी उसने पूरा किया। और असी अक्सर चाहे कोई किते भी कोई किसी भी फंक्शन जाते तो एक नारा लगाते जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और आज उस उन्होंने सपने को साकार किया और मैं समझदा कि इस देश के जो लोग ने जी एक सरकार चुनी पूरा बहुमत दिता और वो नाल उस सरकार ने उन्होंने उस सपने को साकार किया और अज उन्होंने जन्म दिवस से मैं कहना कि इस तो वड्डी होर कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। सो उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए काम किया और ऐसे महान शख्सियत सारे निमन करने के लिए अगर